स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। हमारे पास एक बैलून है और उसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो गया जैसे हम उसमें हवा भरते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन बोथ द केसेस। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो R1 केस वन के लिए हमने R1 ले लिया जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो उसका जो सरफेस एरिया बनेगा वो बनेगा 4πr² मीन्स ये हो गया 4 × π × 7 × 7 cm². और दूसरा जो रेडियस हमारे पास हो गया वो हो गया 14 सेंटीमीटर, तो इसका जो सरफेस एरिया बना वो हमारे पास आ गया 4πr² के फॉर्मूले से 4π × 14 × 14 cm². अब उसने कहा कि दोनों सरफेस एरिया का रेशो फाइंड करो, तो जो रेशो आएगी हमारे पास वो देखिए 4 × π × मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डिवाइड करना है तो फिर मल्टीप्लिकेशन का काम हम छोड़ देंगे, वो इजी हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करने से हमारा से काम बढ़ेगा। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14, तो 1/4 जो रेशो आई हमारे पास वो आई 1:4 की रेशो बनेगी। ये इसका आंसर था। थैंक यू।